प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स हब के चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं शेप टूल और पिक टूल, ये पूरा उनका टूल सेट। तो शेप टूल टूल सेट और पिक टूल टूल सेट। अभी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं तो हमको दिखता क्या है। ये A4 साइज़ है, तो ये आपका पेज साइज़ चेंज कर सकते हो, A4, A3, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इस पर अगर सपोजिंग आपका ये डिफरेंट पेज साइज़ कस्टम पेज साइज, तो ये A4 है, हम इसको A3 कर सकते हैं। तो ये देखो मेरे दोस्तों, हमारा पहला पेज A3 है और ये दूसरा पेज A4 है। तो वो हिसाब से आपको जो आप मल्टीपल पेज साइज़ कर सकते हो, ये हमने पहले भी सीखा है। फिर ये ऑल पेजेस, तो ये जहाँ पे मैंने ऑल पेजेस कर दिया और फिर मैं A3 करूँगा तो मेरे सब के सब A3 पर, A3 तो हमारा था पहले, तो A6 करके देखते हैं। तो ये पहला और दूसरा दोनों पेज A6 हो जाएंगे। तो ये हिसाब से हम यहाँ पे अलग अलग पेज को अलग अलग साइज़ भी दे सकते हैं, और सब पेज को एक ही साइज़ में रखना है तो भी हम ये दूसरे बटन से कर सकते हैं। अभी ये है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ठीक है। ये सेम चीज़ अगर आपको एक पोर्ट्रेट चाहिए एक लैंडस्केप चाहिए, तो अगर आप देखेंगे तो हमने अभी लैंडस्केप किया है, तो ये दोनों पेज पेज 1 पेज 2 दोनों लैंडस्केप हो जाएंगे। अगर हमने आप इसको ऑफ किया और कौन से भी एक पेज को पोर्ट्रेट किया तो एक पोर्ट्रेट रहेगा एक लैंडस्केप रहेगा, देखो, ठीक है। तो ये हिसाब से होता है। अभी जो भी ए सीरीज़ के है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रॉ उसको MM में लेता है। आपको MM में काम नहीं करना है तो आप इंचेस ले सकते हो, ठीक है। अभी ये चीज़ क्या है, ये हमारा मूवमेंट है, ये नजिंग बोलते हैं इसको, ये हमारा मूवमेंट है। तो हमने A6 पेज के ऊपर ऐसा समझो कि एक रेक्टेंगल बनाया है 3x4, 2x3 का, ठीक है, और एंटर कर देंगे। ये हमारा लॉक खुला है, इसके लिए हम जो साइज़ बोलेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, लॉक खुला रहना चाहिए। फिर एक टाइम बन जाए तो आप बंद कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे हम Ctrl+C Ctrl+V, तो ये उसके ऊपर और एक आ गया। अगर हमको ये चेक करना है कि ये क्या है, तो इसको लॉक खोलो और इसको 1 कर दो, या तो फिर इसको 2 ही रहने दो और इसको भी 2 कर दो, ओके। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 0.5 का फ़र्क क्या पड़ता है, 0.5, ठीक है। इसमें एक को हम कलर दे देते हैं ब्लू, आगे वाले को कलर दे देते हैं येलो। अभी हम खेलेंगे इसको इस हिसाब से कि इसको थोड़ा सा हम हटा देंगे, ठीक है। और ये हमने डाला है यहाँ पे 0.5। ये कैसे आ जाता है, हमको सिर्फ जो भी आर्टवर्क है ना सिलेक्ट किया है उसके बाहर क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा। अभी हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे 0.5, तो 0.5 सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये लेफ़्ट को जाएगा 0.5, ये राइट, ये अप, ये डाउन, ठीक है। ये देखो ये परफेक्ट 0.5 जा रहा है, ओके। हम इसको अगर 1 कर देंगे तो ये 1 के हिसाब से भागेगा, देख रहे हो, तो ये उसका नजिंग है, ठीक है। ये सब डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब डायरेक्शन में ये जा सकता है। अभी ये क्या है, ये हमारा जब भी हम डुप्लीकेट करते हैं Ctrl+D, तो वो टाइम पे आपको अगर हम डुप्लीकेट करेंगे ना तो Ctrl+D, तो हम यहाँ पे आके अगर देखेंगे ना तो ये परफेक्ट 0.25x0.25 का होगा, देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा Ctrl+D। तो अगर मुझे ये नहीं चाहिए कि ये बार बार है ना ऐसा ऊपर जाते रहे कि नीचे जाते रहे, ठीक है, मुझे वही जगह पे कॉपी पेस्ट की तरह डुप्लीकेट करना है, तो इसको सिर्फ 0 करना पड़ेगा दोनों को। और अगर मैं यहाँ पे Ctrl+D करूँगा तो आपको नहीं दिख रहा है कि कुछ चेंज हुआ है, पर ये चेंज हुआ है, ठीक है। ये उसके ऊपर और एक रेक्टेंगल बना है जो येल्लो कलर का था,
हमने दिखाने के लिए फिर उसको ग्रीन किए, तो ये डुप्लीकेशन होता है। ओके, अभी ये क्या है, ये है कि अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो भी मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल को ऑफ किया है। तो अगर आपका सिर्फ आउटलाइन है, कोई भी चीज़, सिर्फ रेक्टेंगल नहीं, ऐसे समझो कि ये भी है, ठीक है, हमने ये फ्री हैंड लेके ये ऐसा कुछ बनाया है और उसको नोड बंद कर दिया, पर तो इसमें अगर कलर भरा है तो ठीक है, तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पर अगर कलर नहीं भरा है ना, तो आप इसको सिर्फ बॉर्डर पे, देखो मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा ना, ये सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बॉर्डर पे ही सिलेक्ट होगा, ये भी सिर्फ बॉर्डर से ही सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो कलर सिर्फ बॉर्डर पे ही है, ठीक है। तो ये आपका कभी ये एरर हो कि आप क्लिक कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, ये ऑफ होगा, तो इसको आपको सिर्फ ऑन करना है। अभी आप एक चीज़ देख सकते हो, मैं ये सब हटा देता हूँ, तो ये है ना, ये एक टूल ऑफ हो जाता है, देखो ये ऑफ हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल डालूँगा ना, तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। तो ये टूल का मतलब क्या है, हम प्रिंट डिज़ाइनिंग में हैं तो हमारे लिए ये टूल बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये टूल हमको क्या कराता है कि सपोजिंग ये हमारा आर्टवर्क है 3.5x3 का, ठीक है, और ये पेज साइज़ फिर जो भी है ये बड़ा है, हमको इतना बड़ा पेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ यहाँ पे आके ये मार्जिन हमारे हिसाब से हम दे सकते हैं, मुझे देना है 0.5, ठीक है, और ऑटो फिट पेज। तो हम प्रिंट डिज़ाइनिंग में हैं, तो यहाँ पे ये मेरा आर्टवर्क है और फिर यहाँ पे मैं कट मार्क डाल के यहाँ पे थोड़ी सी ब्लीड दे के मुझे प्रिंट सिर्फ इतना ही करना है, मुझे इससे बड़ा करना है। तो मैं ये प्रिंटिंग, हम प्रिंट डिज़ाइनिंग में ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे लिए ये वाला टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर जितना छोटा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो जितना हम टाइट कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए, वो हमारे लिए अच्छा है। तो ये पूरा सिलेक्ट ऑल ग्रुप करके फिर आप ये पेज साइज़ अपने हिसाब से कस्टम करके फिर प्रिंटर को दे सकते हो, तो ये यहाँ पे काम आता है। अभी हम आगे देखते हैं, अभी हम फ्री हैंड पिक टूल, ये आप खुद करो, मैंने तो बहुत कोशिश की है, मुझे इसका कोई यूज़ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी मुझे इसका कोई यूज़ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ भी आड़ा टेढ़ा सिलेक्शन लेगा और फिर आपका सिलेक्शन लेगा, उससे अच्छा तो मैं यहाँ पे पिक टूल में आके डायरेक्ट सिलेक्शन ना करूँ। तो मुझे तो इसका कोई यूज़ नहीं दिख रहा है, आपको अगर दिखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे उसका परफेक्ट यूज़ मुझे बता देना, तो मैं दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, प्लीज़, थैंक यू। अभी ये है फ्री ट्रांसफॉर्म, ये फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर अभी तो हमने किया है ये रोटेशन, ठीक है। तो फ्री रोटेशन के अंदर हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ना आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंटर ही लेना है, आपको अगर एज से लेना है तो आप यहाँ से देखो डायरेक्ट एज से भी रोटेशन कर सकते हो। तो ये जो हमने पहले किया था ये उसका शॉर्टकट है। फिर ये फ्री शेयर, अभी ये भी जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के बाहर भी किया तो भी वो अपने हिसाब से वो रोटेशन पे वहाँ से ले लेगा। देखो मैं जितना अंदर जाऊँगा बाहर जाऊँगा वो अपने हिसाब से ले लेगा। ये रोटेशन भी करके देखते हैं, तो ये भी सेम चीज़ करता है। ओके, फिर ये आपका आ गया फ्री ट्रांसफॉर्म, ये देखो ये आपका जहाँ से आप क्लिक करेंगे ना वहाँ से वो, ये आपको क्लिक प्रेस रखना है लेफ़्ट क्लिक, तो वो हिसाब से आप आपका साइज़ चेंज कर सकते हो। ये सब टूल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल एकदम मिनिमलिस्टिक कंट्रोल है। तो ज़रा प्लीज़ मेरे दोस्तों, ये सब यूज़ करने के पहले आप ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। फिर ये शेयर, ये भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर करेंगे क्लिक तो वो पॉइंट से वो शेयर करेगा, आप बाहर क्लिक करेंगे तो फिर वो पॉइंट से शेयर करेगा। तो इन शॉर्ट आपको ये वाले टूल पे इतना कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये सब भी आप देख सकते हो, मैं जो कर रहा हूँ अपने हिसाब से वो रोटेशन ले रहा है। इसको अगर मैंने ज़ीरो भी कर दिया
तो भी वो हिसाब से वो आपका पोजीशन लेगा, पर ये मैं कहाँ बिठाऊँ, कैसे बिठाऊँ, क्या है, या पे, तो ये थोड़ा अनकंट्रोलेबल टूल्स है। ठीक है, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। तो ये आता है शेप टूल। अभी ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल को हमने कन्वर्ट टू कर्व्स नहीं किया था, तो ये अभी तक रेक्टेंगल ही है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, यहाँ से। ओके, जहाँ मैंने कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया तो ये पूरा ऊपर का प्रॉपर्टीज बार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने, ये यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व्स कर सकते हैं, या कंट्रोल क्यू शॉर्टकट है। तो यहाँ पे मैं जो अभी फ़िलहाल एक्टिवेटेड है ना, वहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्लोज कर्व करेगा, तो ये कर्व को उसने ओपन कर दिया, देखो। तो मतलब ये मेरा रेक्टेंगल टूट गया है। ठीक है, ये इसमें कलर है, अगर मैंने ये दबा दिया तो कलर सिर्फ जा नहीं रही, ये खुल गया। फिर मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये यहाँ से वापस कलर भर जाता है, और यहाँ पे एक एडिशनल लाइन आ जाएगी, एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक हमारा पहला है। फिर दूसरा आता है जब हम एक नोड को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम नोड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम वो ऑप्शन देता है ऐड नोड, तो ये अपने अंदाजे से इसके सेंटर पे नोड दे देगा आपको। अगर किधर अलग जगह पे चाहिए, ऐसे समझो कि मुझे यहाँ पे अभी नोड चाहिए, तो आप वहाँ पे क्लिक करके, ये ब्लैक डॉट आएगा, आपको प्लस करना है, तो वहाँ पे नोड आ जाएगी। ये देखो, आप कितनी भी नोड चाहिए आप ऐड कर सकते हो। आपको ये नोड नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ये नोड नहीं चाहिए, इससे भी आप डिलीट कर सकते हो। अभी ये आपका सीधा डिलीट होके ये यहाँ पे कट हो गया। अगर आपने ये दबा दिया है सपोजिंग, और फिर आप ये नोड डिलीट कर रहे हो, तो फिर देखो क्या होगा, ये यहाँ पे कर्व आ जाएगा। क्यों कर्व आ जाएगा, क्योंकि आपने ये पॉइंट को कर्व दे दिए थे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये कर्व दे दिया, कन्वर्ट टू कर्व, तो मतलब ये नोड को हमको कर्व करना है। तो ये जो है ना, ये एरो आ रहे हैं। ठीक है, ये हमको इस तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं, और फिर हमने ये नोड को डिलीट कर दिया, तो वो वहाँ से खेल सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये आप कौन सा भी कस्टम डिज़ाइन कुछ भी आप कर सकते हो इसके अंदर। अभी यहाँ पे आता है नेक्स्ट ब्रेक कर्व। तो सेम हमने यहाँ पे जो किया था, ये कर्व को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये आपका अलग हो गया, देखो। फिर हम वापस इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो कलर भर जाएगा। तो ये और ये सेम काम करता है। ठीक है, फिर हम सिलेक्ट करते हैं ये, तो ये यहाँ पे आप आए तो ये सब देखो डीएक्टिवेटेड है, पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये एक्टिव हो जाते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये लाइन वाला भी एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या ये अलग 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 क्यों एक्टिवेट होते हैं नोड पे, क्योंकि हमने ये हर एक नोड के ऊपर है ना अलग कुछ किया है। ठीक है, तो अगर मैं ये स्ट्रेट करूँगा ना तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, वो जो भी उसका कर्विंग है वो गायब हो गया। एक टाइम स्ट्रेट हो गया ना तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, देखो। फिर हमको वापस यहाँ पे आके देखो, ये वापस एक्टिवेट हो गया। तो ये दो है ना जो बाजू बाजू में है, ये लाइन के बीच में, ये हमेशा ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। तो हम यहाँ से अभी इसके साथ खेलेंगे। अभी हम यहाँ पे ये कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, और फिर ये पॉइंट को हम, ये देखो, ये अगर यहाँ पे ये कर दिया ना, ये नोड पे ये कर दिया, तो ये इस तरह से आपको मूवमेंट देगा, देखो। तो आप इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, आप इसको ऊपर या तो नीचे ही कर पाएंगे, क्योंकि हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, ये नोड के ऊपर हमने सिलेक्ट किया था स्मूथ नोड कर्व। तो ये दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले, ये नोड को वो स्मूथ कर देगा। अभी ये अगर हमने बाहर कर दिया तो वो दूसरा भी अपने आप ही बाहर होगा, देखो आप देख सकते हो, क्योंकि वो ये लाइन फॉलो कर रहा है। अभी हमने यहाँ पे आके ये अगर सपोजिंग दबा दिया, और ये पॉइंट को भी हमने कर्व में डाल दिए, तो और फिर ये स्मूथ नोड किए, तो ये आपका, ये देखो,
ये वो नोड को किसी भी तरह से स्मूथ रखेगा, अंदर बाहर कुछ भी आप कर सकते हो, पर हमने ये बाजू वाला बटन दबा दिया ये, तो क्या होगा? आप इसको अंदर एक को ले सकते हो और रोटेशन कर सकते हो, वो दूसरे को अपने हिसाब से ही बाहर ही रहने देगा, ये इसको छोटा नहीं करेगा। या तो इसको आपने छोटा किया तो फिर ये दूसरा वाला छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है? वो एक ही नोड के साथ काम करेगा। तो ये एक ये यहाँ पे है, फिर इसको अगर दबा देंगे तो आप ये नोड को किसी भी तरह कर सकते हो, वो नोड हिलेगा ही नहीं, सीधे में भी नहीं हिलेगा, क्रॉस में भी नहीं हिलेगा। तो ये इसके साथ आप थोड़ा फैले खेल सकते हो। देखो इसका परफेक्ट यूज़, अब यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका, क्योंकि कहाँ पे आपको स्मूथ कर्व चाहिए, कहाँ पे आपको ये चाहिए, तो आपने ये दबा दिया तो डायरेक्ट देखो ये स्मूथ हो जाता है। ये भी करेंगे तो भी सेम इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमने इसको इसके साथ खेले नहीं है। अगर हम इसके साथ खेले और ये दबाए और फिर इसको सिर्फ बड़ा किए, फिर से ये दबाएंगे, तो वो दोनों सेम लेंथ के हो जाएंगे, इसका लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक दूसरा होता है रिड्यूस नोड्स। अभी तो जितने भी नोड है, सपोजिंग यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा दिया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया, ठीक है? तो मैंने ये तीन चार नोड एक्स्ट्रा दिए, आप देख सकते हो ये तीन नोड एक्स्ट्रा है। अगर मैं रिड्यूस नोड्स कर देता हूँ तो वो अपने हिसाब से ना जितने एक्स्ट्रा नोड होंगे, देखो आप उसने एक नोड निकाल दिया तो ये एक नोड अपने हिसाब से वो निकाल देगा। ओके तो हम मैन्युअली भी नोड को सिलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे तो ये होगा, और अगर हम डबल क्लिक भी करेंगे तो नोड ऐड हो जाएगा। तो हमको हर टाइम है ना यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है डिलीट और ऐड के लिए, हम डबल क्लिक या तो सिलेक्शन के बाद डिलीट, ये ऐसे भी नोड निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा शेप टूल होता है। अभी हम यहाँ पे आके ये रेक्टेंगल लेंगे और आगे के टूल्स देखेंगे। आगे के टूल्स के लिए स्मूथ टूल। अब ये स्मूथ टूल क्या है? ये सिर्फ कॉर्नर पे काम करेगा, आप देख सकते हो, और ये ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट टू कर्व भी कर देगा। आपको अगर याद है, हमने यहाँ पे लिया है रेक्टेंगल, हमने लिया है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हमारा एक्टिवेटेड है, यहाँ से पता चलता है, ठीक है? तो हम स्मूथ लेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व्स कर देगा। और पर इसके ऊपर आपका कंट्रोल बहुत ही कम है, ठीक है? आप इसके ऊपर एक लिमिट तक ही थोड़ा हल्का करना है, कि बहुत शार्प एजेस है, आपको उसको हल्का सा राउंडिंग देना है, तो एक टाइम ये घुमा दिए तो ठीक है, तो आपको बार बार वो हर एक नोड को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो ये शॉर्टकट है उसके लिए। फिर ये स्मियर है। बिस्मियर क्या करते हैं, अगर आप देखो तो ये राउंड वाला हमारा स्मूथ वाला एक्टिवेटेड है, तो ये आपको स्मियर इनसाइड और आउटसाइड दोनों एकदम स्मूथ से करने देगा। अगर हमने ये वाला किया तो ये शार्प देगा, देखो कुछ भी है शार्प देगा, अंदर बाहर, तो ये एकदम पॉइंटेड देगा, ये राउंडेड में देगा, ठीक है? अभी ये हमने ऑफ कर दिया है तो क्या होगा, आपने कुछ फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता है उसमें, ये आप फिर भी वही हिसाब से स्मेयर कर सकते हैं, ठीक है? फिर ये है ट्वेल। अब ये ट्वेल कहाँ पे काम आता है, इसको हम बड़ा कर देते हैं वापस 1.5। ओके, ट्वेल कहाँ पे काम आता है, आपको कौन सा भी ये यहाँ पे आपको प्रेस करना है, प्रेस रखे रखना है, लेफ्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस रखे रखना है। तो एक टाइम आओ आप जगह पर, आपको लगता है हाँ यहाँ का मुझे करना है, तो यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करो। आपको ये हाथी बनाना है, गाड़ी बनानी है, तो ये हिसाब से आप बना सकते हो। अंदर आप क्लिक करेंगे, आपको देखो हल्का सा भी कुछ करना है तो आप यहाँ से भी थोड़ा ये हल्के से भी कर सकते हो, तो ये आपका बन जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट टूल है आपका अट्रैक्ट एंड रिपेल। अभी ये भी आप अपने स्मियर टूल के साथ अट्रैक्ट और रिपेल भी सेम काम करता है। ये आपका राउंड है, ठीक है, और ये आपका पॉइंटेड है। तो यहाँ पे ये टूल और ये टूल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ये स्मेयर और अट्रैक्ट रिपेल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर आता है स्मच टूल। स्मच टूल में भी हम इसको 0.5 कर देंगे पहले,
और यहाँ पे हम जिस हिसाब से ये स्मच करेंगे, पर यहाँ पे जो आपको ये स्मूथ देता है ना, ये कोई स्मूथ नहीं देगा। तो ये भी सेम काम अंदर बाहर करता है, पर ये आपको जो शेप आपने सिलेक्ट किया है, जो एंगल एंगल बदल देंगे, 45 डिग्रीज़ के बदले 90 डिग्रीज़ कर देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो परफेक्ट सर्कल आता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 30 डिग्रीज़ कर देंगे तो क्या होता है देखते हैं, ये आपका और शार्प हो जाएगा। तो ये ना 30 डिग्रीज़ से सर्कल क्लोज हो जाता है। फिर इस पे हम एंगल भी दे सकते हैं 45 डिग्रीज़, तो ये मेरा इस हिसाब से आएगा। देखो तो ये 45 डिग्रीज़ के इसके ऊपर बाहर आएंगे, ओके। फिर लास्ट है हमारा रफिन। अभी रफिन क्या है, इसका आप किसी भी हिसाब से ये यूज़ में ले सकते हो। ये आपको कोई कार्टून कैरेक्टर के बाल बनाने हैं तो ये आप 10 कर दो, ठीक है। इसको आप 1 कर दो, तो आपने जो हेड बनाया है उसके ऊपर, पर आपको लाइन पे परफेक्ट आना है। देखो ये लाइन पे नहीं आएगा तो ये रफिन नहीं होगा, ये लाइन पे परफेक्ट आना चाहिए, ये कहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट पॉइंट वाले बाल बनाने हैं तो वहाँ पे हो जाएगा, पर इसका मैक्सिमम यूज़ है अगर आप पहचान सकते हो तो, जो हमारे इंजीनियरिंग दोस्त है जो जहाँ पे उनको इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ बनाना रहता है, तो ये 10 मत रखो, आप इसको 4 या तो 5 रखो। आप लाइन पे आके क्लिक करो, ये देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पे बन जाती है। तो ये मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमारा पिक टूल और शेप टूल पूरी तरह से ख़त्म होता है। और इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, आपके भी दोस्तों को सीखने को दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। ये बहुत अच्छी फील्ड है और आपको वो दुआएं देंगे अगर आपने भी उसको ये चीज़ सीखने को आगे मौका दिया तो। तो इस हिसाब से मेरे दोस्तों, आगे प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।